गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। आज मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, मिस्टर कादुम तारंग से, क्योंकि उसको मेरा फोटोशूट करना है। तो पता नहीं मुझ में क्या दिखा होगा उसको। तो मैं अभी कादुम तारंग से मिलने जा रहा हूँ। मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, वो पूरा गुस्से से आग बबूला हो रहा होगा। तो उसका गुस्सा वाला रिएक्शन देखने के लिए आप रेडी हो? वो भी बोलेगा कि आज मैं नहीं कर पाऊँगा गुस्से से। खोल नहीं रहा शायद, बहुत गुस्सा है। एक्चुअली एक घंटा पहले आ जाना चाहिए था मुझे, बट खोल नहीं रहा। अभी रिएक्शन देखने के लिए रेडी हो जाओ, वो आ रहा है। अरे कदम का है थोड़ा। हम घर तक गया था ना, फिर वहां में जाके फिर हम भूल गया था गोप्रो को। फिर आज वीडियो जैसे ही बनाना है बोल के कादुम का। तो ये मिस्टर कादुम तारंग बहुत ही हैंडसम है। तो चश्मा पहन लेगा, अरे देखो ये लोग, ये सब बाद में हो जाएगा ना, कट जाएगा ना? नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा। और गाइस ये है कादुम का स्टूडियो। बाद में शाम को इसमें फोटो शूट होगा, अभी फिलहाल के लिए आउटडोर फोटो शूट होगा। ये होम स्टूडियो अभी के लिए, ये टेम्पररी है, अभी परमानेंट के लिए मेरा ये स्टूडियो बन रहा है। अभी अंदर कंस्ट्रक्शन में है, वो जल्दी बन जाएगा। ओके, पासीघाट में बन जाएगा। ओके, और आज की जो फीमेल मॉडल्स है, हाय, आपका नाम क्या है? मैं मुवाना मीरा। आपका नाम क्या है? मुमता हीरा। आप भी मॉडल बनने आई हो या इसके साथ आई हो? बस आई हो। ओके, ये दोनों दीदी बहन है, दोनों बहुत खूबसूरत है। तो गाइस मुझे पता है कि असली में जो कादुम है ना, वो बहुत ही गुस्सा है, लेकिन मैं कैमरा ऑन करके गया था ना, इसलिए उसने कैमरे के सामने अपना गुस्सा शो नहीं किया। असली में बहुत गुस्सा है, मुझे पता है। तो अभी हम जा रहे हैं अपोको लैंड की और फोटोशूट करने, आउटडोर फोटोशूट करने। अभी जो हमारे हीरो हैं, प्रोफेशनल हीरो आ गए, प्रोफेशनल हमारे फोटोग्राफर, वो चलते हुए जा रहे हैं। अभी ये मेरा फ़ोटो खींचेंगे मिस्टर कादुम तारंग, और ये उनका महंगा वाला कार टाटा नेक्सॉन, पहली बार धोया इसने, नहीं तो ये कभी धोता नहीं है। क्योंकि उसको पता था कि आज मेरे वीडियो में आएगा ये। तो गाइस ये हमारा पहला लोकेशन एपोको लैंड, हम बाद में जाएंगे, पहले हम जाएंगे गैराज में। आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा हो कि इस गैराज में हम लोग कर क्या रहे हैं, बट आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने कभी किसी गैराज में फ़ोटोशूट किया। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है, कादुम का भी फर्स्ट टाइम है, CM स्टूडियो का फर्स्ट टाइम है। तो ये कादुम की इच्छा थी, कादुम यहाँ पे एंगल मिलाते हुए। ओके, तो सबसे पहले हमने इस छोटे वाले होंडा को ऑन कर दिया, जनरेटर को। अभी वो लाइट मिलाएगा फोटोग्राफर। कौन से जगह में खड़ा होना है? अच्छा, आप जब भी एंगल मिलाते हो ना, तब आप मतलब बैकग्राउंड में क्या देखते हो, या फिर किस तरीके से एंगल मिलाते हो? जब लाइट यूज़ कर रहा होता है ना, हाँ, तो यहाँ में ये एरिया में जितना लाइट जरूरी होता है, हाँ, बस उतना काम लोग वो करते हैं, सेटिंग्स करते हैं ना। ओके, पीछे का लाइट जो है तो हम लोग उसको, पीछे का वो जरूरी भी नहीं है। ओके, तो जैसा कि सर ने बताया, जो ये है लाइट है, इस वाले लाइट, ये वाला जो लाइट है, जितना ऑब्जेक्ट में फोकस करेगा उतना तक का ही दूरी का एंगल मिलाएंगे। उससे पीछे अगर लाइट आ रहा है तो आने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये लाइट जहाँ तक फोकस कर रहा है वहाँ तक ही जाएगा। हाँ ठीक है, सोलो ना, किसी को मतलब केयर नहीं, आराम से गलत मारना है। वो वाला बैकग्राउंड है, वो रिजेक्ट हो गया। अभी इस वाले बैकग्राउंड में हम आए हैं, क्यों? क्योंकि जो वो कार्स है वो बिल्कुल भी पूरा मतलब खराब खटारा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कैमरे के सामने जैसे कि वो जो कार है वो मतलब गंदा होके पड़ा हुआ है। लेकिन ये है जिस टाइप का हमें चाहिए, देखो कुछ ज़्यादा ही क्रैश हो गया है, पूरी तरीके से कार ख़राब है। तो इसमें हम फ़ोटो खींचेंगे, और अभी मुझे एक सीन दिया गया है, इसमें मुझे इसको लात मारना है शायद, तो देखते हैं। और यहाँ बैठना है,
देखो फोटो में तो बहुत सुंदर है लेकिन रियल में देखो हमें इस जगह पे बैठना पड़ेगा। ऊपर में देख बिजली तो लाइक एलडी ऊपर में करा इसने ने करा ऐसा होना है ना तो लाइक ये करना ना ये सामने करा करो ना ये पैर एक पैर से उठाओ ना इसको तो लाइक ना पोज देने जानते हैं ना ये मॉडलिंग वॉडलिंग मुझसे बिल्कुल नहीं होता बस मैं अपने दोस्त के लिए कर रहा हूँ मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इसमें बिल्कुल कसम से इंटरेस्ट नहीं है ऑफ 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 पीछे पीछे से ऊपर तरफ वो करना है ये ना अभी किसने एक बार किसने से हो जाए ओके कूल गाइस ये दिखने में हल्का लग रहा है कम से कम 20-25 किलो का तो होगा अब इससे क्या करना है पैर रखो बैक पैर से रखो रेडी बोलना मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अगर फिर भी अच्छा नहीं आया मतलब मैं इंसानी सुंदर नहीं हूँ तो देखते हैं बाद में देखेंगे फोटो में कैसा मिलता है। तो गाइस कैमरामैन का दावा है कि फोटोस यहाँ पे बहुत अच्छा है मुझे नहीं लगता क्योंकि मैंने अच्छे से पोस्ट नहीं दिया और मॉडलिंग मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता बट स्टिल अभी हम इस जगह से बाहर निकल रहे हैं अभी हम जा रहे हैं पोकोलैंड की ओर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पोकोलैंड दिखने में कैसा है। और गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं ये कादुम तारंग इनका स्टूडियो है कैप्चर्ड मोमेंट स्टूडियो पासीघाट में है और ये वेडिंग और बाकी इवेंट्स को कवर करते हैं और जितने भी मेरे हाई क्वालिटी वाले वीडियोज़ आए हैं कवर सॉन्ग्स आए हैं जैसे कि हो गए दो दिल मिल रहे हैं वास्ते सभी इनके स्टूडियो में शूट हुआ है तो इनको मेरा बहुत बड़ा धन्यवाद। तो गाइस फाइनली अभी हम इस ब्यूटीफुल जगह पर आ गए हैं ये सियांग के किनारे में है बहुत ही सुंदर जगह है और अभी हम इसमें फोटो शूट करेंगे। चलो आप करो बराबर चिन आप करो हाँ यस ठीक है। और गाइस ये सीएम स्टूडियो की ऑफिशियल मेकअप आर्टिस्ट इनका नाम है रशल मुबंग और ये बाहर से कोर्स करके आई है तो मैं कादुम का कैप्चर मोमेंट स्टूडियो और इनका मैं नंबर दे दूंगा आप लोगों को कुछ भी अगर इंक्वायरी करना है इनसे इनकी ज़रूरत होगी तो आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हैं कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में। ओके गाइस तो अभी मेरी बारी अभी मेरा फ़ोटो खींचेंगे और देखते हैं कि मैं इस बार पोस्ट दे पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा उम्मीद है मैं दे पाऊंगा मुझसे नहीं होता यार ये सब हवा में उड़ता चाहे मेरा लाल दुपट्टा मन में ऋषि कपूर के स्टाइल में डपली वाले डपली बजा कैसे लग रहा है हीरो। एक्चुअली गाइस मुझे मजा आ रहा है फिर भी फोटोशूट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है बस लेटने में मजा आ रहा है। ओए गाइस तो पहले मैंने जिनके साथ फोटोशूट किया था उनका नाम है पूजा वो इनकी छोटी बहन है पूजा पूजा कौन है वैसे निकने में ना वो मुमतक
हाँ ठीक है। तो उनका नाम मुमताज ईरंग है, अभी वो उनकी इनकी छोटी बहन है, तो अभी इनका नाम मुबा नाम ईरंग है, अभी इनके साथ फोटो शूट। तो दोनों इक्वली ब्यूटीफुल है, तो आप लोग जलना मत। अभी धूप आ रहा है तो बहुत सुंदर से। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।